एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्ज़ाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पर हैप्पी हो जाएं। द मेन इशू वॉज दिस पेपर लीक एंड द अदर माल प्रैक्टिसेस व्हिच हैज बीन फॉलोड बाय द एनटीए। सवाल ये उठता है, ग्रेस दे के क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीज़ें करता है जो हमें पता नहीं चलती? दे हैव एडमिटेड देयर मिस्टेक स्टेटिंग दैट यस दोज ग्रेस मार्क्स रिगार्डिंग दोज ग्रेस मार्क्स वी आर गोइंग टू कंडक्ट द री एग्जामिनेशन व्हिच मींस दे हैव देयर वाज समथिंग व्हिच वाज अमिस। ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू है। द कोर्ट वी फाइल्ड पीआईएल रिगार्डिंग दिस नीट एग्जामिनेशन, देयर वर वेरियस इश्यूज which we have raised on behalf of lakhs of students. The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. देखिए, आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए, और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है? और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्ज़ाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पर हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है। अब री एग्ज़ाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा, फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं, कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस दे के क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीज़ें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्परेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्ज़ाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्ज़ाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है, तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग।